जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अद्भुत गोपाला में। प्रारंभ करते हैं आज की गीता वाणी अध्याय 2 श्लोक 21। वेदा विनाशनम नित्यम येनम अजम अव्यम कथम से पुरुष पाठ कम घात्यति हन्ति कमम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मी, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है भक्तों, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझ कर करना चाहिए कि श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरों शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जाता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाने के लिए होता है। अतः श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधे राधे।